दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भव्या नाम की महिला ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहुत बदसलूकी और बदतमीजी करी, गालियां दी, पूरे बिहार को गाली दी और बिहारी होने को गाली दी। और कहा कि ये बिहारी यहाँ पर आके बसे हुए हैं, मतलब आप सोच सकते हो किसी एक समाज के लिए कितनी नफरत घुली हुई है। दोस्तों सारी बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। ये खबर निकल के आ रही है नोएडा से, जहाँ पर एक नशे में धुत महिला अपनी गाड़ी को लेकर सोसाइटी के गेट पर आती हैं। वह जैसे ही सोसाइटी गेट पर गाड़ी खड़ी करती है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आता है और गेट खोलने लगता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी अंदर लगी होती है। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड महिला को कहता है कि आप अपनी गाड़ी हल्की सी पीछे ले लीजिए, गेट खोलने में तकलीफ हो रही है। वैसे ही नशे में धुत महिला अपनी गाड़ी बंद करती है, गाड़ी से बाहर निकलकर आती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को गालियां और बहुत ही ज्यादा बदसलूकी से उससे बात करती हैं, गालियां देती हैं, ऐसी ऐसी गालियां देती हैं कि हम अपनी वीडियो में उसे दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरी वीडियो में गाली भरी हुई है, हमें भी दिखाने में संकोच हो रहा है। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो देखकर आप चौंक जाओगे। ये पेशे से वकील हैं, इनका पेशा वकालत का है, ये मतलब लोगों को न्याय दिलवाती हैं कोर्ट में, लेकिन इनकी ही बातें ऐसी हैं कि ये किसी और के साथ क्या कर रही हैं। अब मतलब ये किसी और को किस निगाह से देखती हूं, मतलब कि वकील होने के साथ साथ इन्होंने इतनी ज़्यादा बदसलूकी और बदतमीजी से किसी भी गरीब सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा करा, उसे इतनी गालियां दी। जो उसका सुपरवाइजर था, सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर था, वो भी गालियां सुन रहा था, उसे भी गाली दी। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड इतना परेशान हो गया, उसने वहीं के वहीं नौकरी छोड़ने के लिए ही बोला क्योंकि इतनी बेशर्मी और इतनी बदसलूकी से जो उसके साथ कुछ, तो साधारण सी बात है कोई भी इंसान वहां काम नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड इतना ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि इतनी गालियां और बदसलूकी बिना किसी मतलब में, बिना किसी झगड़े के, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना लेते हैं जो कुछ लोगों के प्रति नफरत घोल लेता है अपने दिमाग में, इस वजह से ये होता है। अब महिला के विरोध में पुरुष तो हैं ही और महिलाएं भी हैं, क्योंकि ऐसी बदसलूकी और बदतमीजी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होती है ये अच्छा नहीं है, आप किसी के साथ भी ऐसी बदसलूकी और बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।